दोस्तों कैसे हो, क्या पोजीशन है? बहुत माँ फाड़ू माँ खतरू पांडी चेरी, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं Assassin's Creed Valhalla, जो भी आप बोलना चाहो, दोनों में से दोनों ही अच्छे साउंड कर रहे हैं मुझे तो Assassin's Creed Valhalla के सिनेमैटिक ट्रेलर में हम थोड़ा आगे बढ़े ब्रेक डाउन करते हुए। उससे पहले अगर आप यहाँ पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें जो कि गेमिंग पसंद करते हैं, और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे तिर्रम भर्राट गति से, बिजली की गति से। डिस्क्रिप्शन में मेरा एक स्ट्रीमिंग चैनल भी है, आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। आप जो सामने रिवील ट्रेलर देख रहे हो, ये है Assassin's Creed Valhalla का। मैंने बचपन से लेके आज तक, यानी कि Assassin's Creed के बचपन से लेके आज तक मैंने सारे Assassin's Creed खेले हैं सिवाय Odyssey के। मेरी लास्ट Assassin's Creed की स्ट्रीम जो मैंने करी थी वो थी Assassin's Creed Origins, और पूरा कंप्लीट किया था मैंने। अब आप सोचो इतना डेडिकेशन से मैंने वो गेम खेला था कि मैंने Isu आर्मर तक अनलॉक किया था उसके अंदर, और Altair तक का आर्मर मैंने अनलॉक किया था उसमें। तो आप जान सकते हो कि मैंने कितने डेडिकेशन से वो स्ट्रीम करी होगी और वो गेम खेला होगा। अब बात कर लेते हैं सीधे Assassin's Creed Valhalla की। आप लोग बोलोगे यार कॉपी मार दी यार इन लोगों ने God of War की, कॉपी मार दी ऐसा बोल सकते हैं या नहीं पता नहीं, बट हाँ सिमिलर टॉपिक पे इन्होंने गेम जरूर बनाया है, हम ये बोल सकते हैं। God of War 4 जो लास्ट वाला आपने PS4 पे देखा था वो Norse माइथोलॉजी पर बेस्ड है, तो जो Norse माइथोलॉजी के गॉड्स हैं उसके ऊपर वो पूरा का पूरा गेम बेस्ड आउट ऑफ था। और आपने जगह जगह देखा होगा बड़े बड़े सांप घूम रहे हैं जिनका साइज भगवान जाने शुरू कहाँ होते हैं ख़त्म कहाँ होते हैं, एक शहर से शुरू होते हैं तो 100 किलोमीटर बाद उनकी पूंछ दिख रही है, तो ये थोड़ा सा मिथिकल हो गया। Assassin's Creed Valhalla के डेवलपर्स ने बताया है कि भाई हमने ये एक हिस्टोरिकल फिक्शन बनाया है, इसमें कोई आपको फैंटेसी गेम प्ले नहीं देखने को मिलेगा कि वो सुपर नेचुरल पावर्स उड़ रही हैं यहाँ से वहाँ, वैसा कुछ नहीं देखने मिलेगा। हाँ पर आपके कैरेक्टर्स से खेलते हुए अगर आप जो स्टोरी प्रोग्रेशन कर रहे हो वहाँ पे कहीं पर आपको कोई सिनेमैटिक स्टोरी आ रही है, या फिर कोई गांव या कबीले से बिलोंग करता है कैरेक्टर, वहां के गांव वाले या पूर्वज, उनके कबीलों में बैठे पूर्वज हैं, पंचायत चलाने वाले पंचायत सरपंच, वो जरूर अगर कोई स्टोरी सुना रहे हैं एंशिएंट टाइम्स की तो उसमें जरूर नॉर्स माइथोलॉजी के जितने भी मिथिकल गॉड्स कैरेक्टर्स जो भी आप कह लीजिए हैं उनकी उनका नाम जरूर आएगा, उनका वर्णन जरूर आएगा। ये साफ कर दिया है Assassin's Creed Valhalla के डेवलपर्स पर। God of War एक नॉर्स माइथोलॉजी प्लस ग्रीक माइथोलॉजी के ऊपर गेम था, और Assassin's Creed Valhalla गेम है हिस्टोरिकल फिक्शन नॉर्थ पीपल के ऊपर। अब बात कर लेते हैं गेम लग कैसा रहा है, फील कैसा आ रहा है आपको, आप अगर आप मुझसे पूछो तो भाई लोग अभी ये तो सिनेमैटिक है, बोलते ना कि जस्ट एक PR है अपना कनेक्ट बनाने के लिए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए, अगर आप एक बिजनेस लैंग्वेज में बोलो तो। ये गेम प्ले इस ट्रेलर में कुछ भी नहीं है, ये पूरा का पूरा CGI है। रियल गेम प्ले कैसा होगा वो तो हमने देखा ही नहीं है। अभी परसों ही 7 मई को Xbox सीरीज X के गेम्स की रिवील है। जैसे आपने देखा होगा ना COD की थोड़ा सा झुकाव रहता है PlayStation की तरफ, आपने देखा होगा कि PlayStation 4 पे COD वाले का चलता है साथ में, मतलब कोलैबोरेशन टाइप का, या फिर अर्ली एक्सेस थोड़ा सा थोड़े दिनों के लिए खेलने को मिलता है। सिमिलरली Assassin's Creed और Ubisoft का जो चल रहा है, बोलते हैं ना घनिष्ठ संबंध चल रहे हैं Ubisoft के Xbox के साथ में, तो बहुत हद तक चांसेस है परसों ही हमको थोड़ा बहुत गेम प्ले देखने मिल जाए 60 सेकंड्स या कुछ का, पता नहीं कह नहीं सकते। अब बात करते हैं रिलीज कब है भाई गेम की। गेम की रिलीज है भाई लोग अक्टूबर नवंबर के बीच में, और जहां तक मुझे लगता है अगर तब तक PlayStation 5, Xbox Series X रिलीज नहीं भी होते हैं तो पहले ये लोग PS4 और Xbox One X और One S जो कॉन्सोल्स हैं वहां से माल लूटेंगे, PC से माल लूटेंगे, उसके बाद जैसे ही नए कॉन्सोल्स आएंगे तो नए कॉन्सोल्स पे ये बोल देंगे एनहांस्ड एडिशन, अल्ट्रा HD फलाना एडिशन जो भी है। अगर आप मुझसे पूछोगे आई एम वेरी एक्साइटेड ब्रो, मैं तो फर्स्ट डे स्ट्रीम करने लायक ये गेम समझ रहा हूँ, और पता है इन लोगों ने इसी डर से, क्योंकि मैं पहले दिन मुझे अगर 2 घंटे में गेम पसंद नहीं आता है तो मैं रिफंड कर देता हूँ, इसी डर से ये लोग सबसे पहले गेम लाएंगे एपिक पे, क्योंकि एपिक स्टोर पे थोड़ी सी पॉलिसीज अलग है। ये तो ऐसी छोड़ दी मैंने लंबी, पर ठीक है। आप लोगों के थॉट्स क्या हैं, आप लोग कितना एक्साइटेड हैं इस गेम को लेकर के जरूर मुझे बताना। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे तिर्रम भर्राट जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो। डिस्क्रिप्शन में मेरा एक स्ट्रीमिंग चैनल भी है, आप उसे भी प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक करना वहां भी याद रखिएगा। तो बहुत बहुत थैंक यू, मैं चलता हूं, भारत माता की जय। बैम बूम ब्रीम आ गया, दीजिए मुझे आप सभी को प्रणाम।